तो दोस्तों आज कैसे हो, वेलकम वेलकम टू इंफोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जियो की प्राइम मेंबरशिप आपको बढ़ानी है, यानी जियो प्राइम मेंबरशिप आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। डायरेक्टली आपको प्राइम मेंबरशिप नहीं मिलने वाली, यहाँ पे एक आपको जो है आपके जो जियो का ऐप है उसके अंदर जाकर कुछ चीजें करनी होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप समझ पाए कि आप अपनी जियो प्राइम मेंबरशिप कैसे बढ़ा सकते हो 2018 के लिए। तो चलिए मोबाइल पे जान लेते हैं किस तरीके से आपको जियो प्राइम मेंबरशिप बढ़ानी है। उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दी जाती है कुछ खास इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको जाना है अपने मोबाइल में जियो माय जियो के ऊपर में, और माय जियो ऐप के ऊपर में आपको जो है इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पे आपको कुछ देर रुकना है, वहाँ पे आपको जो है प्राइम मेंबरशिप दिखेंगी और दूसरा जो है रिचार्ज का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देंगे। प्राइम मेंबरशिप पे जब आपने क्लिक किया तो आपको होगा ये कि कुछ देर एक लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद में आपका जो है नंबर है उस नंबर को प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो है आपका जो है जियो प्राइम मेंबरशिप का जो अकाउंट है, यानी जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको वहां पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में डन ऑप्शन आपको आएगा, उस पर डन पे क्लिक कर दे। इस तरीके से आप जो है जियो प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, वरना आपको जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं मिलेगी। थैंक यू। तो चलिए आगे और देख लेते हैं वेबसाइट। तो जैसे आपने देखा कि अपने मोबाइल के ऊपर में आपने देखा कि जियो प्राइम मेंबरशिप बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें आपने देखने के बाद में ये है जियो की वेबसाइट जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको जो प्लान है वो किस टाइप से है। उसके अलावा जो है प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर जाकर आप जो है आपकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और अब यहाँ से भी आप जियो प्राइम मेंबरशिप को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर पासवर्ड जो आपका है वो डालने के बाद एक ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद में जो है आप वहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा, लेकिन जनरली आप मोबाइल से ही करें तो बेटर रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक ऐप। इन्फोटेक ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके टेक्नोलॉजी की। इस चैनल पर दी जाती है कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल ऐप से रिलेटेड है। कंप्यूटर लैपटॉप की अनबॉक्सिंग भी यहाँ पे करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की सारी अनबॉक्सिंग की जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर जरूर जरूर हमें बताएं, कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।